भगवान सभी प्रकार के यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है, भोक्ता राम, राम ऑल द टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस। वास्तविक रूप से सैक्रिफाइस है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र भगवत गीता में बताया गया। कोई भी काम जो भगवान की खुशी के लिए संपन्न किया जाता है वो यज्ञ है। जब आप घर में रसोई बनाते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो वो रसोई बनाना भी यज्ञ है। जब आप मंदिर की सफाई करते हो, झाड़ू निकालते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो वो झाड़ू निकालना भी यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ अग्नि में आप घी की आहुति दो स्वाहा, नो, ये यज्ञ का वास्तविक अर्थ है, वो भी एक यज्ञ है और ये भी प्रमाणित यज्ञ है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्यों को यज्ञ किया जा कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में बताया गया, व्यास देव जी कहते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जन्ते ही सुमेघ सा। सुमेघ माने इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग हैं, दोज हु आर इंटेलिजेंट, वो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान को हमने संतुष्ट किया, भगवान को यदि हमने प्रसन्न किया तो सब कोई संतुष्ट हो जाएंगे, प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा, प्रत्येक जीवात्मा प्रसन्न रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया पेड़ की जड़ का, यदि जड़ में जल सींचा गया तो पूरी टहनियों को, पूरे पत्तों को, सबको जल मिल जाएगा, सब पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करेंगे, राइट। तो वास्तविक रूप से यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य। परीक्षित महाराज कहते हैं कली को, तुम ऐसे स्थान पर रहने के योग्य नहीं हो जहां पर व्यक्ति भक्तगण भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है वो सत्य पर निर्भर करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ठीक है, भगवान सत्य के प्रतीक हैं। इसलिए आप देखिए पूरे संसार में जो सबसे बड़ा स्लोगन है इस संसार का, आप यदि रिसर्च कर लो पूरे भारतवर्ष में, वो जैन हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली हो, बिहार का हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, कोई भी देश राज्य का हो, प्रत्येक व्यक्ति जब मृत्यु के बाद में उठाया जाता है तो एक ही बात कहता है, राम नाम सत्य है, और कोई दूसरा स्लोगन नहीं है, दूसरा कोई डायलॉग नहीं है, राम नाम सत्य है। हजारों वर्षों से एक ही बात को दोहराया जा रहा है, यही प्रमाणित करता है कि यह परम सत्य है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, परंतु खुद विश्वास नहीं करते कि राम नाम सत्य है। ये कलयुग का लक्षण है, गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं परंतु उस गीता को पढ़ते नहीं है, उस गीता पर विश्वास नहीं करते। क्या ये ढकोसला नहीं है? ये सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। और वास्तविक रूप से सत्य सिर्फ भगवान का नाम है, वो परम सत्य है, सदैव हमेशा के लिए सत्य रहने वाला है। पूर्व काल में भी सत्य था, आज भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेगा।
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस सत्य के ऊपर अपना जीवन आधारित करते हैं। Their life is based on the chanting of the holy names, क्योंकि वे जानते हैं यह परम सत्य है। ठीक है, यदि आप कहते हो राम नाम सत्य है, तो आपको उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए। You should accept it. यदि आप उस सत्य को धारण नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप जानते हुए भी असत्य के जीवन जीना चाहते हो। यह सुनो, जो लोग कहते हैं, आप देखो अधिकांश लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के नाम की महत्व को हम स्वीकार करते हैं। जब आप सब स्वीकार करते हो, तो फिर उसको जप क्यों नहीं करते हो? और प्रत्येक व्यक्ति दिन पर दिन अब देखा जा रहा है कि आजकल के लोग और ज्यादा समय को व्यर्थ करते हैं पहले के लोगों की तुलना में, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है और ये जो सो कॉल्ड डिजिटल एप्लीकेशन है सबके पास है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, और सब इसके ऊपर इतना सारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसके ऊपर काम का कोई बात जो है मुश्किल से 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, और व्यर्थ के जो इतनी सारी चर्चाएं हैं उनके लिए घंटों घंटों समय लगाते हैं। ये सत्य है, ठीक है? तो भाई आप इस सत्य को, परम सत्य भगवान के नाम को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? क्यों नहीं समय निकाल करके भगवान के नाम का जप करते हैं? ये करें, इसमें थोड़ा समय लगाएं, ठीक? तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे यजंती यज्ञ यज्ञेश्वर यज्ञ विधान विज्ञा, संपूर्ण सभी प्रकार के वास्तविक यज्ञ ये भगवान के नाम संकीर्तन में सन्निहित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस संकीर्तन यज्ञ युग धर्म, कलियुग का धर्म है, कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये कलयुग का प्रमाणिक धर्म है। अलग अलग युगों के लिए अलग अलग धर्म हुए हैं, प्रवर्तन किए गए भगवान ने। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायम करो तद हरि कीर्तनाथ। यज्ञ संकीर्तन काय यजन्ते हि सुमेध कृष्ण वर्ण तुसा कृष्ण सांगोपांग पार्षद। वो भगवान जो कृष्ण है परंतु अकृष्ण, जो कृष्ण है श्याम है परंतु गौर वर्ण में आए, अकृष्ण, कृष्ण वर्ण तुसा अकृष्णम, जिनके शरीर का कांति कृष्ण है श्यामल, ठीक है, मेघ के समान श्याम, परंतु वो अकृष्ण के रूप में अवतारी गौरांग, कृष्ण वर्णम तो अर्थात अकृष्णम सांगोपांग पार्षदम, और उनके पार्षद हैं, विशेष पार्षद, अलग अलग युग में अलग अलग पार्षद थे, परंतु इस कलयुग में उनके पार्षद कौन है? ये मृदंग, ये करताल, ये भक्तगण, ये उनके पार्षद, और ये पार्षद भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, और ये पार्षद संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। देखिए भगवान ने त्रेता युग में धनुष वाण लेकर के आए, रामचंद्र जी के साथ धनुष वाण, और धनुष वाण से उन्होंने सारे असुरों की हत्या की, राइट? भगवान गदा के साथ अवतरित हुए, उन्होंने गदा से लोगों की हत्या की। तो भगवान के अलग अलग आयुध हुए, चक्र के साथ अवतरित होते हैं कृष्ण के रूप में, इतने सारे लोगों का उन्होंने गला चक्र से काट दिया। तो अलग अलग युग में भगवान अलग अलग आयुध अस्त्रों के साथ अवतरित होते हैं और उन अस्त्र से सबका संहार करते हैं।
परंतु कितना अद्भुत विषय है कि कलयुग में भगवान कोई भी अस्त्र के साथ नहीं आए। कलयुग में उनके अस्त्र हैं ये करताल और मृदंग, ये करताल और इसके द्वारा किसी की भी हत्या नहीं करते, किसी की भी हत्या नहीं कर रहे हैं, एक की भी हत्या नहीं की। पूरे देखो आप जगाई मदाई की भी हत्या नहीं की उन्होंने। उनकी जो पाप करने की वृत्ति थी उसको बदल दिया, उसकी हत्या कर दी, पाप करने का जो स्वभाव है उसको मार डाला, पापी को नहीं मारा। पूर्व युगों में पापी मारे गए, पहले के युगों में रावण का हत्या हुआ, कुंभकर्ण का हत्या हुआ। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण जीवित है और उसका स्वभाव बदल गया, ऐसा हुआ क्या? तब तो अद्भुत घटना हो जाती थी, हैं? कुंभकर्ण भी गले में मृदंग डाल करके हरे कृष्णा कर रहा होता, पूरा संसार उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में कोई मुकाबला कर सकता है? बताओ आप। जब हनुमान जी ने देखा, रावण को सोते हुए लंका में, रात को जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, सब जगह खोज रहे थे माता सीता को, तो एक कक्ष में रावण सोता हुआ दिखाई दिया, खराटे ले रहे। रावण को सोता हुआ देख करके, रावण के वैभव को देख करके, उसके शरीर के कांति को, तेज को देख करके हनुमान जी ने मन में सोचा, रामायण में लिखा है, हनुमान जी ने सोचा, व्हाट ए ग्रेट स्प्लेंडर, ये आदमी यदि भक्त बन जाए फिर क्या करना है, ये इतना शक्तिशाली आदमी, यदि ये भक्त बन गया तब तो बड़ा आनंद हो जाए। ये विचार हनुमान जी के मन में आया, समझ। तो ए डिवोटी विल ऑलवेज थिंक लाइक दिस, ही थिंक्स एवरीवन, जिसको देखते हैं अरे भाई ये भक्त बन जाए, और वो भी विशेष करके जब वो इतना गौरवशाली हो, इतना महान दिखता हो। वास्तविक महानता भक्ति करने में, नहीं तो सब व्यर्थ हो रही है, यही परिणाम हुआ उसका। उसने भगवान की शरण नहीं ली और दुर्गति को प्राप्त किया, राइट। तो एनीवन इफ ही बिकम्स ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज ए ग्रेट ग्लोरी फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए बड़ा एक सौभाग्य है, परम सौभाग्य है यदि हम भक्त बन गए तो। आपका अकेला का सौभाग्य नहीं, आपकी पूरी परंपरा का सौभाग्य है। आपके दादाजी, परदादाजी और उनके दादाजी जिस किसी लोक में होंगे, जिस किसी प्लेनेट में होंगे, भले वो पितृलोक में हो, देवलोक में हो या नरक लोक में हो, जहां कहीं भी हो, हम उसकी गंभीरता में नहीं जा रहे हैं, परंतु उस लोक में रहने पर तुरंत खड़े होकर के खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट डांसिंग विथ ग्रेट जॉय एंड होप कि मेरी परंपरा में आज ये माता भक्त बन गई, हरे कृष्णा कर रही है, अब मेरे उद्धार का कुछ स्कोप दिखाई दे रहा है, नाउ आई विल बी डिलीवर्ड बाय द डिवाइन पायस क्रेडिट्स ऑफ दिस माई ग्रेट डॉटर, सो ग्रेट सी हैज बिकम डिवोटेड। दे विल डिस्कस अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे को बोलेंगे देखो कितना अच्छा है, वो शांतनु भक्ति कर रहा है, अब हम लोगों को शायद छुटकारा मिलेगा, इन योनियों में से हमको हम डिलीवर किए जाएंगे, जिनमें हम हजारों साल से सड़ रहे हैं, जिनमें हजारों साल से सड़ रहे हैं, उनसे अब हम निकलने की एक आशा दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे परिवार में एक भक्त एक वैष्णव हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते वर्णन है, समझ।
समझे। तो सोचिए कितना महान कार्य है भगवान की भक्ति स्वीकार करना, कितना महान कार्य। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको इतना सरल बना दिया इस संकीर्तन अभियान के द्वारा, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में ये संकीर्तन अभियान में भाग लेकर के संकीर्तन करके सारे वातावरण को शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। वही सत्य है, क्योंकि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ, एकमात्र सत्य वो है। तो जब आप मानते हो कि वो सत्य है, तो उस सत्य के लिए समय क्यों नहीं निकालते हो, क्यों झूठ के साथ जीवन जीते रहे हो, राइट? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा मजाक है, इतनी बड़ी मूर्खता है। लोग सत्य को स्वीकार करने के बाद भी सत्य के लिए समय नहीं निकाल रहे, राइट? उस सत्य के लिए समय नहीं है। तो जो व्यक्ति झूठ का जीवन जी रहा है वो कैसे सुखी रहेगा, ये बताओ। आप यदि झूठ का जीवन जीते हो, क्या आप सुखी रह सकते हो? मैं आपको झूठा गुलाब जामुन खिलाऊं, झूठा समोसा खिलाऊं, माता जी खाओ, तीन खाओ, चार खाओ, अब रसगुल्ला भी लो, अब समोसा भी खाओ, अब रबड़ी खाओ, क्या होगा परिणाम? आधे घंटे के बाद आप मेरे ऊपर चीखना शुरू कर दोगे, क्या प्रभु व्हाट नॉनसेंस है, क्या समझे आप मेरे को? यू वांट टू डिसीव मी, यू वांट टू वेस्ट माय टाइम, यू आर फूलिंग मी, राइट? यस और नो? क्या आप धैर्य रखोगे, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा बर्दाश्त कर लोगे? ठीक है, बहुत हो गया, दो घंटा बर्दाश्त कर लोगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करोगे, करेक्ट है? तो ये डकोसला है, जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए, जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। इसलिए सारे आचार्यों ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम आधार है, यही सत्य है, यही यज्ञ है, इसी से जीवन सफल होने वाला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस यज्ञ संकीर्तन यज्ञ का अभियान कलयुग में प्रवर्तन किया और सबको इसमें निमग्न किया, सबने अपने जीवन को सार्थक किया। आप भी कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।